चलो मेरा लॉरी चलो तुम्हारे घोड़े का नाम लॉरी है क्या? नहीं साहब जी, मेरा टांगा है पेशौरी तो मेरा कोड़ा लाहौरी। कहाँ के हो भाई, दिल्ली के तो नहीं दिखते? वक्त के मारे हैं साहब, रिफ्यूजी हैं, बस अब दिल्ली में कमा खा रहे हैं। चलो चल चल लाहौरी चल चल। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसी ही एक दास्तां एक टांगा चलाने वाले की भी है। वक्त ने जब करवट ली तो वो टांगे वाला देखते ही देखते मुकद्दर का सिकंदर बन गया और उसकी जिंदगी लोगों के लिए बन गई एक मिसाल। हैरान कर देने वाली कामयाबी की यह कहानी महाशय धर्मपाल जी की है। हम अकेले चल दिए थे जान बे मंजिल, लोग मिलने कार वापस आ गया हो शांति शांति। गुलाम और अविभाजित भारत के सियालकोट में 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला मियानापुरा में महाशय चुन्नी लाल गुलाटी का 5 बेटियों और 3 बेटों का भरा पूरा परिवार रहता था। सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मिर्च मसाले की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशियां दी हट्टी था। और यही महाशियां दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। सियालकोट में सुविधा प्यार था, साबिर हालात प्यार से मिलता था, प्यार से काम करता था। हाँ स्वाद मेरा जिंदगी का और बहुत लंबी जिंदगी बही कटी मेरी। तो मैं 5वीं क्लास में जब गया स्कूल, पहले नहीं यार स्कूल चालू तो रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उस समय मैं जब स्कूल बच्चा जाता था तो माता पिता जी पतासे चीनी ले जाए बरसे से बात पढ़ते थे। बस स्कूल में जाना हम रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ऐसा ऐसा माहौल ऐसा बनता गया। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम, पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा रमता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले महाशय धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था, लेकिन साथ ही साथ धर्मपाल का बालक मन बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी देखता था। दरअसल उसका ये ख्वाब उसके पिता से बड़े आदमियों की कहानियां सुन सुनकर पैदा हुआ था। धर्मपाल, ओ धर्मपाल, थल्ले आ बेटा। ओ पुत्र सुंदा नहीं, बाऊजी बुला रहे ने। थल्ले आ। क्या बात है बाऊजी? ओ बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अरे तू चाहता क्या है? अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो दुनिया में बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बाबूजी अब तुझसे बताओ मैं की करूं? देख बेटा, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, चाहे राम बनो चाहे रावण, जो भी बनो, पर दुनिया में ऐसा बनो कि लोग तुम्हें याद रखें। बेटा तू कोई हाथ का काम सीख ले, तू कल से दस्तकारी के काम पर चला जा। लकड़ी का अच्छा कारीगर बन जाएगा तो कल को अच्छा ठेकेदार भी बन सकता है। समझ रहा है ना बेटा? में जब मैं 5वीं क्लास तक आया तो सवाल जब जगह चलने हमारे पीछे लाली थे, बोलिए भाई सो आई हैव टू आई एंड आई कैन सी द बुक द डिस्क्रिप्शन में बोल दिया। आगे आगे आया नहीं, वो समझ जाती यहाँ से दबाया कि मेरा खून जम गया, चिकनी हो गई।
मैं पूरा ध्यान बंद कर दिया। पांचवी क्लास तक मैंने ध्यान दिया ही नहीं है। जब मैं और कुछ बड़ा हुआ छोड़ दिया मैंने। बेटा आप क्या करेगा, ये काम कराते बढ़ेगा, लकड़ी का काम, लकड़ी का मकान बनाएगा। मैंने 8 महीने मैंने बड़ी का काम किया। धर्मपाल 5वीं क्लास भी पास न कर सका। पिता चुन्नीलाल ने बेटे को हर तरह के कारोबार में खपाने की कोशिश की। कभी धर्मपाल को साबुन की फैक्ट्री में काम पर लगाया, तो कभी चावल की फैक्ट्री में। कपड़े से लेकर हार्डवेयर की दुकान तक धर्मपाल ने 15 बरस की उम्र तक कई पापड़ बेले। लेकिन जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं रमा तो पिता चुन्नीलाल ने उसे मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया। पिताजी मैं गांव से आए थे कि बेटा मेरा अमीर बन जाएगा, कपड़े का दुकान बढ़ा दिया, छोड़ दिया, बड़ी का काम है, उसके बाद क्या उसको बोलते हो हाड़ी का काम किया, ये भी जगह छोड़ दिया, भजार डिब्बा पड़ा छोड़ दिया। फिर मैं आकर के मुझे आपकी दुकान पर बैठना पड़ा। फिर मैंने 2-2 पैसे कमाए दिए, मैं नहीं जाते मम्मा ने, सब लोग मुसलमान थे और मैं नहीं बहुत जाते थे। गर्मी के दिन में मैंने पूरी अमाउंट 2-2 पैसे की रेडी मैंने ली। कल ही मैंने आने पैदा रंगन गिरी मेरी बेचने 2-2 पैसे पूरिया। खैर करते करते आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। इसी बीच 18 बरस के धर्मपाल का लीलावती के साथ विवाह भी करा दिया गया। शादी के बाद नई जिम्मेदारी के एहसास ने धर्मपाल की जिंदगी को अब पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। यही वजह थी कि अब वो मौज मस्ती छोड़कर मसालों के अपने पुश्तैनी धंधे में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। हम पेशावर से बच्चे जाते थे, अमृतसर से मेरी हल्दी आती थी, सारा किराने का माल अमृतसर में आता था। बड़ी मंडी थी अमृतसर की, आग आगे हम अपने हाथ से मिर्चे कूटते थे, पीसते थे। फिर हमने क्या किया, हल्दी पिसानी क्लास से दुकान के बड़ी चिकी चिकी लगा चिकी लगा के चिक्की पीसी हल्दी। 2-2 पैसे पुड़िया बांधनी, एक अन्ने की, 2 अन्ने की, आधा से ऐसे पुड़िया बांध बेचते थे। जिसका माल बढ़िया होता है आगे आहिस्ता आहिस्ता अपने आ जाता है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, मेरा माल अच्छा हो तो मैं अच्छा बन जाता हूँ। सियालकोट के बाजार पंसारिया में चुन्नीलाल की मसालों की दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके देगी मिर्च की धूम थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द चुन्नीलाल के परिवार को भी सहना पड़ा। सियालकोट में जहां चुन्नीलाल का परिवार रहता था, उसके एक तरफ हिंदुओं का मोहल्ला था और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी थी। जब यह तय हो गया कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा तो यहाँ के हिंदू समाज में खलबली मच गई और असुरक्षा की भावना ने चुन्नीलाल को भी सियालकोट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह सियालकोट का यह संपन्न परिवार 20 अगस्त 1947 के दिन शरणार्थी बन चुका था। उधर से आवाज आती है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर हर महादेव। श्रीमान जी पिशावर में हमारे रिश्तेदार थे, लाल बने रिश्तेदार थे, लाल बने थे, काबले वहां से आ रहे हैं, ऐसे मारे जा रहे हैं, जा रहे हैं लड़कियाँ, जैसे जैसे भेड़े बकरी होती हैं लोग ले जाए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान देखा हमने, गाड़ियाँ आ रही हैं खटखट के आ रही हैं, इधर से देखा इधर खटखट जा रही हैं। अभी याद है हमारे गुजाम में हमारे मोहम्मद साहब थे, बड़े पिते थे मेरे कहते पिताजी हाँ मसाला भेज रहे थे गोदाम में थे। बोला सर बादशाह जी अगर हमारे पैसे छीन लें तो छोड़ दिया। महाशय धर्मपाल बताते हैं कि सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप में कुछ ही दिन गुजारने के बाद जब गुलाटी परिवार ने पाकिस्तान से पलायन किया तो डेरा बाबा नामक बॉर्डर उनके परिवार का पहला पड़ाव बना था और यहीं से पाकिस्तान की सरहद पार करके उन्हें अगले दिन अमृतसर पहुंचना था। अमृतसर में आ गया, पहली गाड़ी हम आए हैं, ठीक है गाड़ी चले 7 सितंबर 1947 चले गए, ट्रेन में बैठ गए सर परिवार, जिस आ गया
जिससे पाकिस्तान में था, बीच में रवि दरिया था, डेरा बाबा नर था। वहाँ से बाहर पार बड़ी मुश्किल से पार किया, चढ़ते 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 घसीटते घसीटते आते जाए घसीटते, बरसात के मौसम में बरसात ऐसा हो रही थी, मत कुछ यार जरूर आ जाती। लेकिन पलायन की वो रात गुलाटी परिवार पर कयामत की तरह गुजरी थी। रात में जब महाशय धर्मपाल का परिवार सड़क के किनारे सो रहा था, तब एक ट्रक धर्मपाल के चाचा की टांग कुचलता हुआ गुजर गया। नशे में प्रदर्शन किया था, मैं, मेरा भाई धर्मवीर बड़ा, मेरा भाई लड़ा मुखराज, तीनों आदमी अंबर से हम चल दिए। हम आए ट्रेन में, जब आए नशे नशे पड़ी हुई, बरसात हो रही है, हमें बड़ी मुश्किल से आकर के हम वहाँ सीखे पाए। सीख का नाम बढ़ गया मुझे सीखे भाई, वहाँ तो आगे लाइन टूटी हुई थी, वो टल चले फिर राहुल लुधियाने में आ गए, लाइन जब खाली पड़ा हुआ था, वो यार मिया बान ये याद हमें। 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ मुल्क के बंटवारे का असहनीय दर्द भी लेकर आई थी। देश के विभाजन से लाखों परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। वक्त का मारा ऐसा ही एक परिवार धर्मपाल का भी था। रोजगार की तलाश में सियालकोट से सैकड़ों मील का सफर तय करके जब धर्मपाल अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली पहुंचे, तो करोल बाग में अपनी बहन के घर पर ठहरे थे। करोल बाग में ही एक खाली प्लॉट पर कब्जा करके धर्मपाल ने दिल्ली में अपना पहला आशियाना बनाया था। लेकिन अब रोजगार की चुनौती उनके सामने खड़ी थी। उन दिनों धर्मपाल की जेब में 1500 रुपए ही बाकी बचे थे। पिता से मिले इन 1500 रुपयों में से 650 रुपए का धर्मपाल ने घोड़ा और टांगा खरीद लिया, और इस तरह वो बन गया टांगे वाला। कहां से आए हो भाई? साहब जी बटन तो हमारा पीछे छूट गया, बंटवारा होया तो देश बटने के साथ साथ हमारा कारोबार भी उजड़ गया। वैसे तो हमारा मुल्क सियालकोट है, पर वो तो अब पाकिस्तान में रह गया साहब जी। अब तो बस रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली चले आए। चलो लारी चल चल उठ। वो चांदनी चौक चला गया, कुछ लोग टांगे भेज रहे थे, वैसा मियाँ तो कितने का 800 रुपये का, खैर मैं 650 का मेरा टांगा ले लिया। मन में आया काम करेंगे, कहते हैं ना बेकार से कार अच्छी, कुछ तो कहेगा काम, टांगा ले लिया 650 का। फिर मैं अपने घर पर आया, बड़ी मुश्किल से बाबा टांगा की मुझे पता नहीं था, ऐसा ऐसा लेकर मैं टांगा बांधा, सुबह उसको घोड़े को मर्ज करनी, टांगे मलनी, चुखाना खाना देना, कोच बांध दो घड़िया दो चुहा लड़की बैठेगी गाली और निकाल लेंगे घोड़े को, पूरा बैठे और बोल देंगे तब निकल ले देना। हम तो दुकानदार थे, व्यापारी आदमी थे, गंदा काम कौन करता, छोड़ दिया। कोचवान धर्मपाल की ये दास्तां सन 1947 की है। धर्मपाल का टांगा उन दिनों दिल्ली के कुतुब रोड पर दौड़ा करता था। ये सिलसिला करीब 2 महीने तक यूं ही चलता रहा, और एक दिन अचानक धर्मपाल को यह एहसास हुआ कि टांगा चलाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मिर्च मसालों के काम के अलावा उसे कोई दूसरा काम आता भी नहीं था, लिहाजा धर्मपाल और उसके परिवार ने मसालों के अपने पुराने धंधे की तरफ ही कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया। मैं पिताजी बड़ा भाई गुरुदिया वालों भी चले गए, नंगा में नौकर करिए तुम ले भैया चलाए गए छोड़ दी। वहाँ देखा क्या करेगा, प्रणाम बार पूछते ही सियालकोट का काम था, फिर हमने अपना कोई जगह को पर की थी, मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। आशा साल ली पिछले बच्चे फूटने मसाला तैयार करने खोखा बना लिया, फिर मैंने हजमा रोड के ऊपर लिख दिया मैं मार्शी तट्टी सियालकोट वाले रजिस्टर, दाले रखी वहाँ से किराना रखा, सब दाले भी मसाले भी सब जोड़ दिए, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया हमने। दस अक्टूबर 1948 में धर्मपाल ने अपना टांगा और घोड़ा बेच दिया और करोल बाग के अजमल खान रोड पर ही एक छोटी सी दुकान यानी खोखा बनवा लिया।
सियालकोट की एक बड़ी और भरी पूरी दुकान से उठकर अब धर्मपाल का पूरा परिवार एक छोटे से खोखे में आ पहुंचा था। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल ने मिर्च मसालों का जो साम्राज्य स्थापित किया उसकी नींव इसी छोटे से खोखे पर रखी गई थी। अखबारों में विज्ञापन के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। 60 का दशक आते आते महाशयादि हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। माल बहुत बढ़िया बनाते हैं, बस खास ये बात, माल कमाई कम, माल बढ़िया, ऐसा ऐसा काम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने क्या किया, एक दुकान ली मैंने प्रधान मार्ग में, दुकान नंबर 10 वहाँ बनाई मैंने। क्या मैं खोखा के बदले में कहाँ जाएंगे, वो दुकान बनाने के लिए मैंने जगह ले ली। हम वो बढ़ी गई, काम और बढ़ गया, मैं दुकान खाई पड़ी, मैं दुकान खाली पड़ी में कड़ा मेल करा मैंने वहाँ दुकान पर मैंने बनाई। महाशय धर्मपाल के परिवार ने छोटी सी पूंजी से कारोबार शुरू तो किया था, लेकिन कारोबार में बरकत के चलते वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकान दर दुकान खरीदते चले गए। गुलाटी परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने धंधे को आगे बढ़ाया और मिर्च मसालों की बिक्री जब ज्यादा होने लगी तो उनकी पिसाई का काम घर की बजाय अब पहाड़गंज की मसाला चक्की में होने लगा था। लेकिन एक दिन जब महाशय धर्मपाल अपने मसालों की जांच करने मसाला चक्की पर पहुंचे तो वहां मसालों में हो रही मिलावट को देखकर सन्न रह गए थे। राम राम लाला जी। राम राम। अरे राम राम। और जी, और लाला जी ठीक ठाक? सब बढ़िया, देखो माल चल रहा है आपका, बिक रहा है माल। ये क्या हो रहा है लाला जी? माल बिक रहा है और क्या हो रहा है। और बाबूलाल जी, इसमें जो ये मिलावट, इल्जाम क्यों लगा रहे हो लाला जी? ये जो है ना माल आपका ही है, माल पसंद नहीं है ना तो कहीं और से पिसवा लो, अगर हो सके तो खुद ही पीस लिया करो। फिर ठीक है लाला जी, अब खुद ही पीस लेंगे। राम राम। पहले बाबू लाल ने मशीन में चना डाल दाल डाल दी हल्दी में। ओहो, बड़ा काम खराब भाई, मैं वहाँ क्या पहाड़ खंड में बाबू जी, आपने ये क्या किया? देखो आप तो बड़े शरीफ आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने पाप किया, दाल चने डाल दी, हल्दी का नाम महंगा में जानी मनी का लो, ऐसे बोला। लेकिन ये काम इतनी पहली फैक्ट्री लगाई। 93 साल के लंबे सफर के बाद सियालकोट की महाशयादि हट्टी आज दुनिया भर में MDH के रूप में मसालों का ब्रांड बन चुकी है। सीखा 3-6 बातें, 6 बातें, ईमानदार बनना, मेहनत करना और मीठा बोलना, कृपा परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद, माता पिता का, संसार का प्यार, दुनिया का आपसे प्यार से चला है, कितना काम बढ़ गया, कितनी फैक्ट्री बढ़ गया। फिर मैं क्या शुरू किया वहाँ से, बस एक फैक्ट्री में और लगाई राजस्थान में, ऐसा ऐसा हमने दुबई शुरू किया काम, लंदन में शुरू किया, लंदन में वहाँ कॉन्फ्रेंस की, हर शहर में काम किया मैं, सारे पंजाब में एजेंसी में आती, सुपर स्टॉक में आती है। उनकी कंपनी सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करती है।
लेकिन एक टांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी ये अद्भुत कामयाबी 60 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। यही वजह है कि आज उनके मसाले दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके लिए उन्होंने देश और विदेश में मसाला फैक्ट्रियों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। हमारा लंदन में वेयर हाउस है, लंदन में ऑफिस है हमारा, दुबई में हमारी फैक्ट्री है, शारजा में ऑफिस भी है हमारा, यूएस में भी ऑफिस है। तो एमडीएच के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड है, हमारा मसाला 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाता है। पूरे यूएस में आपको सभी स्टोर्स पे एमडीएच मसाला मिलेगा। इंडिया में तकरीबन 1000 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे 40 सुपर स्टॉकिस्ट हैं पूरे इंडिया में और 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और हम लोग हर महीने 6 लाख आउटलेट्स को केटर करते हैं। दिल्ली के हरिनगर, द्वारका और जनकपुरी के ये वो स्कूल हैं जो महाशय धर्मपाल के ट्रस्ट के जरिए चलाए जाते हैं। जनकपुरी का ये माता चानन देवी अस्पताल भी महाशय धर्मपाल ने अपनी माँ की याद में बनवाया है। अस्पताल में सभी के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की फीस से लेकर दवाइयों और मरीज के इलाज में भारी रियायत जरूर दी जाती है, जिसका फायदा यहाँ दूर दूर से लोग आकर उठाते हैं। महाशय जी का जो एक मकसद था ये हॉस्पिटल बनाने का, वो मनी मेकिंग नहीं था। उन्होंने ये हॉस्पिटल सेवा भाव के उद्देश्य से बनाया था। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था जस्ट एक आई हॉस्पिटल, बट उनको था कि मैं सोसाइटी की सेवा करूं, इसलिए उन्होंने ये हॉस्पिटल इतना एक्सपैंड करवाया। स्कूल और अस्पताल से लेकर गौशाला और अनाथ आश्रमों तक महाशय धर्मपाल के सामाजिक कामों की लिस्ट काफी लंबी है। महाशय धर्मपाल की यह कहानी एक जर्रे के आसमान बनने की दास्तां है। दो आने कमाने वाला एक शख्स कैसे मेहनत करके अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल हैं महाशय धर्मपाल। लेकिन बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले महाशय धर्मपाल ने जिंदगी में उतने ही बड़े सदमे भी सहे हैं। 1992 में जब उनकी पत्नी लीलावती का निधन हुआ, तो इसके ठीक 1.5 महीने बाद ही अचानक उनका छोटा बेटा संजीव गुलाटी भी चल बसा। लेकिन ये दोहरा सदमा भी उन्हें अपनी राह से डिगा न सका। जिंदा दीदी का नाम है, मुर्दा क्या खा किया करते हैं, हम जिंदा रहेंगे आपके प्यार से, हम जिंदा जिंदा हैं, अब जिंदा है, अच्छा काम कर जो मरने के बाद इंसान जिंदा हो जाता है। ABP News आपको रखे आगे।